नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शहडोल प्रशासन कोविड 19 टीकाकरण को लेकर बिहारी प्रशासनिक अमला ग्राम पंचायत में लगवा रहे टीकाकरण में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। बीमारी से बचने के लिए लोगों को वैक्सीन लगवाने संबंधी जानकारी दे रहे हैं। आज जनपद पंचायत बिहारी की ग्राम पंचायत सरस्ती में हो रहे टीकाकरण पर बिहारी तहसीलदार और भाजपा पपोध मंडल अध्यक्ष श्याम पाल तिवारी के द्वारा जायजा लिया गया और वहां पर व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं की जानकारी ली, लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। हमारे रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर तहसीलदार से वैक्सीन टीकाकरण के बारे में जानकारी ली। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, यहाँ जो कोविड केयर सेंटर चालू है, तो यहाँ पे सर जो भी पब्लिक जागृत नहीं है उनके लिए आपने सर क्या किया और यहाँ पर क्या आपको देखा गया अच्छे से वैक्सीन लगवाने के? वैक्सीन लगवाने शासन की मंशा अनुरूप कलेक्टर साहब के निर्देशन में हम लोग ने कैंप और सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं और इन कैंप में आज तो हमारा लगभग सब 100% वैक्सीनेशन हुआ है। सरसी में भी और पपवाड़ में भी मेरे द्वारा दोनों जगह का निरीक्षण किया गया। लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे और जो भ्रांतियाँ थी वो भी समाप्त हो रही हैं। लगभग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और सबके सम्मिलित रूप से प्रयास करने से अभी यहाँ वैक्सीनेशन 100% हो सकता है, किया जाएगा। और तो सर लोगों को क्या क्या समझाइश दी गई? लोगों को यही समझाइश दी गई है जब तक कोविड का अभी चल रहा है और तीसरी लहर के संदर्भ में भी सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राथमिकता वाला काम है 100% वैक्सीनेशन करवाएं। तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।